सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं नाम दीपोग्राफी सभी का स्वागत है दीपक दीपोग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल पे सो गाइस फाइनली हम ले आए एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन क्या सच में ई वी टू पॉइंट ओ साइकिल को रिप्लेस कर देगा या फिर सच में ई वी टू पॉइंट ओ की जो क्वालिटी है वो सेम एग्जैक्टली वैसी है जैसी हमारी साइकिल की क्वालिटी है तो इस वीडियो में हम देखते हैं कंपेरिजन करेंगे आप लोगों के सामने मैं कंपेरिजन करके दिखाऊंगा तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज का वीडियो तो अभी मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडर 4.2 यूज कर रहा हूँ दोनों स्क्रीन में मेरी ब्लेंडर 4.2 यूज हो रहा है ये वाला जो बेसिकली फाइल है इनमें जो भी लाइटिंग करी है जो भी टेक्स्चर करा है जो भी सब कुछ इनमें दोनों फाइल में सेम है बस इतना ही है कि ये मैंने ईवी में कॉल रखी है ये मैंने साइकिल में ओपन करी हुई है तो चलिए सबसे पहले ईवी वाली फाइल को सेटअप करते हैं ईवी के रेंडर इंजन में जाते हैं डायरेक्टली यहाँ से एंड आप देख सकते हैं ये ईवी वी का बेसिक है विदाउट रेड रेसिंग एंड रेड रेसिंग बढ़ाते हैं आप देखना इसमें क्या फ़र्क देखने वाला है मैं सबसे उसमें जूम कर लेता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने जैसे ही रेट ट्रेसिंग को इनेबल किया तो हल्का सा देखिए इसमें डेप्थ आ चुकी है आप भी देखिए डेप्थ कहने का मतलब है कि इसमें बाउंस आ चुका है रेट ट्रेसिंग ऑफ ऑन ऑन करने से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा रियलिज्म क्रिएट होने लग गया जो कि पहले नहीं था और इसके जो तो सैम्पल्स है वो मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिए थे बिकॉज ये बॉडी फॉर सोलह होते हैं पर मैंने सिक्सटी फोर कर दिया था ताकि ये जो क्वालिटी आपकी अच्छी दिखे तो यस ये हमारा ई वी का बेसिकली आफ्टर रेट ट्रेसिंग है और मेरे को तो काफ़ी सुंदर लग रहा है आप ये देख सकते हैं ये जो यहाँ पे मैंने सब सरफेस डाला वो भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है हालांकि पहले इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था पर

यहाँ पे मुझे फ़र्क दिख रहा है एंड जो ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है कुछ नहीं करना आपको मटेरियल पर जाना है हमने यहाँ पे बेसिकली अलग से लगा रखा है इसलिए ये इमिशन के नीचे एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता है उसको आपको इनेबल कर देना है ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी कुछ इस तरीके से ऑलाइट right. तो यहाँ पे आप वाइज देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ फर्क नहीं दिख रहा इवन मुझे ईवी बेटर लग रहा है आप यहाँ देख सकते हैं क्वालिटी वाइज एंड एवरीथिंग वाइज मुझे ईवी लुकिंग नाइस काफ़ी सुंदर है ठीक है एंड ईवी में आपको एक चीज़ और दिख जाएगी जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ अपने साइकिल वाले को तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंदर की साइड यहाँ पे आपको ना बहुत डार्क दिख रहा है जो कि यहाँ पे हल्का सा लाइट दिखनी चाहिए थी पर ईवी में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो यहाँ पे भी हमको बहुत डार्क सा दिख रहा है ठीक है बट जैसे हम यहाँ पे जाएंगे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैं इसका डिनोजिंग भी इनेबल कर देता हूँ ठीक है तो वह जैसे यहाँ पे मैं मैक्स रफनेस को इनेबल करूँगा आप देखेंगे इसके अंदर भी हमें एक लाइट दिख जो कि मैं साइकिल्स में यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख पा रही मतलब मुझे तो ई वी टू पॉइंट सच में ऐसा लग रहा है कि साइकिल को रिप्लेस कर देगा और मुझे इसका आउटपुट मुझे इसकी क्वालिटी सब कुछ पेस्ट लग रही है एंड हालांकि देखो साइकिल तो साइकिल तो ही है ऑफ कोर्स बट देखो अगर हम नॉर्मल कार्टून वीडियोस बनाते हैं या कोई भी छोटी मोटी वीडियोस बनाते हैं उसमें अगर हमें एक लेवल का रेंडर चाहिए तो आई थिंक ई वी टू पॉइंट टू इज़ द बेस्ट ऑप्शन है आपको कुछ नहीं करना रे ट्रेसिंग कौन करना है शेडोज को इनेबल कर लेना है डीनोज को इनेबल कर लेना है अपना बेसिकली मैक्स रफनेस को इनेबल कर लेना है ठीक है उसके बाद आप सैंपल वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ कर दें अगर मान लीजिए आपने कोई भी फाइल साइकिल में बनाई है और अगर आप उसको नए वाले ई वी वजन में ओपन करते हो शायद आपको सेम ही रिजल्ट मिले या फिर उन्नीस बीस का ही फर्क दिखे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ठीक है जैसा कि यहाँ पे आप याप देख पा रहे हैं मेरे को सच में उन्नीस बीस का ही यहाँ पे बस फर्क लग रहा है ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं हल्का सा कलर का मुझे यहाँ पे फर्क दिख रहा है अफकोर्स वो फ़र्क है वो रहेगा थोड़ा बहुत क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि थोड़ा बहुत कलर का फ़र्क है बट मोरोलस मुझे यहाँ पे उन्नीस बीस का फर्क लग रहा है तो गाइज मैं तो आपसे बस यही बोलूँगा कि अगर आप भी साइकिल में रेंडर करते हैं घंटों वेस्ट करते हैं तो प्लीज आपका अगर शेडो कैचर वगैरह यूज नहीं हो रहा है कोई भी ऐसा बैकग्राउंड का यूज नहीं कर रहे हैं तो के के रिप्लेस आईज में भी कंपेरिजन दिखाता हूं आप देखिए ये साइकिल का रेंडर इंजन है और ये हमारा ईवी का रेंडर इंजन बिकॉज सेम लाइट है मेरे को यहाँ पे कोई फर्क नहीं रहा आप ध्यान से देखिए नथिंग एक परसेंट का भी मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा हल्का से इसमें सॉफ्ट सर्विस इतना परफेक्ट नहीं लगा हुआ है जितना सॉफ्ट सर्विस में परफेक्ट लगा हुआ है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरी थिंग इज लुकिंग परफेक्ट सेम कूल मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है मैं अगर मेरे से कोई बोलेगा इस इस वाली फाइल को अगर रेंटर निकालना तो मैं बोलूँगा जी नहीं मुझे तो ये साइकिल सॉरी ई वी में रेंटर निकालना है बिकॉज समहाओ कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है हमारा टाइम बहुत ले लेगा ले देखो मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा ठीक है हम एक टेस्ट और करते हैं कि लेट्स सी देखते हैं कि ये अगर मान लो सेम क्वालिटी आ गई है ईवी में भी सेम क्वालिटी आ गई है जो हमको साइकिल में दिख रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कि अगर ये सेम क्वालिटी आ गई है तो हो सकता है कि यहाँ पर रेंडर टाइम भी बढ़ गया बिकॉज ईवी हमारा माना जाता था कि ये जल्दी बेसिकली रेंडर करता है और ये रियल टाइम पे काम करता है बस साइकिल टाइम लेता है बाउंस पे काम करता है अब जैसे कि इसमें रिट्रेसिंग आ गया तो हो सकता है इसमें टाइम बढ़ गया हो तो एक बार देखते हैं रेंडर लेके कि सच में इसमें टाइम बढ़ा है या फिर ये अभी भी फास्ट है साइकिल के मुकाबले तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोनों को बेसिकली सॉलिड मोड में ले आऊँगा कुछ यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हमारा हेयर है ठीक है हेयर पर जाएंगे और हेयर का बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट इनेबल कर देंगे कुछ यहाँ से को मैं इनेबल कर दूंगा ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेयर की डिस्प्लेसमेंट दिख रही है सेम इसकी भी मैं इनेबल कर दूंगा क्योंकि मुझे ना बेस्ट से बेस्ट और हैवी से हैवी यहाँ पे देखना है तो इसका भी मैं इसको इनेबल कर दूंगा वो जिस तरीके से दैट्स इट अब हम इसको रेंटर लेके देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ई वाले साइड तो यहाँ जाएंगे हम तो मैं ये यहाँ रेंटर इमेज थोड़ा तो 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 ले रहा है कितना टाइम में ले रहा है साइंस कंपन साइकिल देखो इसने लिए हैं आठ सेकेंड ऑनलाइन तो इसने एक फ्रेम निकालने का आठ सेकेंड यहाँ पे लिया है वैसे देखा जाए तो यू के लिए आठ सेकेंड भी बहुत है पर देखो क्वालिटी भी तो अच्छी मिल रही है पर अभी सेम क्वालिटी हमें साइकिल में कितने टाइम पे मिलती है लेट्सी हम ये देखते हैं ठीक है मैंने यहाँ पे सैंपल ज़्यादा नहीं रखे पाँच सौ सैंपल्स होते हैं ठीक है और इसमें जो रखे थे वो सिर्फ चौसठ सैंपल रखे थे और इसका उतना ही होता है उससे ज़्यादा इसमें नहीं जाता ठीक है क्योंकि इसमें क्वालिटी ठीक ठाक आ जाती है तो लेट्स सी देखते हैं या फिर अगर आप बोलते हो कि हाँ सेम सेम सैंपल रखो तो मैं काम करता हूँ इसको भी चौंसठ सैंपल पे फिलहाल रख देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि नहीं ये तो भेदभाव हुआ है ठीक है अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रेंडर पे और रेंडर इमेज करता हूँ तो यस ये रेंडर शुरू हो गया तो ये हमारा ईवी का है और ये हमारा साइकिल का रेंडर हो रहा है अभी इसने सेकंड से, से सो रेंडर लेना स्टार्ट किया है ठीक है आठ रेंडर लेना शुरू किया अभी पंद्रह सेकेंड सोलह सेकंड भी स्टार्ट कर रहा है ले रहा है, ले रहा है ले रहा है, ले yes, yes. okay. right. yes, हम इसको सिक्सटी फोर फ्रेम पे निकालते हैं तो इसने लिए हैं सत्ता है सत्ताईस सेकंड और इसने लिए है आठ सेकंड मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने कितने आ, तीन गुना इसने बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम लिया है ऑलमोट right. पर ये भी मैंने तब जब मैंने इसका तो नॉर्मल सैंपल सेम सेम सैंपल रखे हैं देखो ये भी मैं तो सिक्सटी फोर तो सैंपल परफेक्टली काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं पर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं वो पाँच सौ बारह सैम्पल रखता जो कि एक मिनिमम नीच होती है या फिर एक एक सौ अट्ठाईस ही होती है चलो पाँच सौ बारह में नहीं रखते एक सौ अट्ठाईस रखते हैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है और अगर उसको मैं इसमें रेंडर निकालता हूँ तो एक सौ अट्ठाईस हम मिनिमम मानते हैं ठीक है हाँ ठीक है एक सौ अट्ठाईस मिनिमम रखना ही चाहिए सैंपल तभी जाके हमारी क्वालिटी ठीक ठाक तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो लेट्स सी ये कितना समय लेता है अगर उस हिसाब से देखें तो ई वी मेरी परफेक्ट है सेम क्वालिटी में सेम सब कुछ में एक सौ अट्ठाईस में मुझे पता है मिनिमम ये पचास सेकेंड या पचास सेकेंड तो ले ही लेगा बीस सेकेंड तो उसके अभी हो ये, अभी अस्सी सैम्पल पर ही पहुँचा हुआ है तो हम देख सकते हैं तो मैं आपको ये बताऊँगा में फर्क नहीं होगा आपको वीडियोस बनाते हैं नॉर्मल आप छोटी मोटी वीडियोस बना रहे हैं तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी के साथ काम, तो है, में। में काम करना है देखो ई में तो शेडो वैडो बड़ा प्रॉब्लम देता है पुराना वाला यू में इसमें देखो परफेक्टली काम कर रहा है कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप ब्लेंडर फोर को यूज़ करें और इस तरीके से आप देख रेंडर निकालें मैं कह रहा हूँ आपको बहुत बेटर क्वालिटी मिलेगी आप देख सकते हो तो इसने तीस सेकेंड मतलब वही ठीक है मोरल इसने तीस सेकेंड में काम कर दिया स्टिल ये हमारा सेकंड में निकाल निकाला तो मैं तो यही बोलूँगा यस ईवी टू पॉइंट और सच में साइकिल को रिप्लेस कर सकता है बिकॉज ये कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग यहाँ पे टूल हो चुका है एंड यस गाइस डिफरेंस आप लोगों के सामने है ये आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ रखता हूँ ये देखिए सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईवी एंड साइकिल इधर वाला साइकिल है और इधर वाला ई है मुझे इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं लग रहे थोड़ा बहुत शेड्यूज वगैरह में चेंजेस है ऑफकोर्स ये साइकिल है इसमें रेट रेसिंग बाउंस बहुत अच्छा होता है इसमें थोड़ा उतना नहीं अच्छा बट स्टिल फिर भी कन्वीनियंट है मैं इससे कन्विंस हूँ उसकी लाइटिंग एंड सब कुछ से तो कोर्स मैं तो ईवी को ही बोर्ड दूंगा और मैं ईवी में ही रेंडर निकालूगा पलट आई होप so आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा आपको समझ में आपको क्या यूज़ करना चाहिए फिर अगर मेरी बात सुनो तो आप अपनी साइकिल्स की पुरानी फाइन निकालो और ब्लेंडर 4.2 पॉइंट टू के ईवी में उसको एक बार रेंडर करते हो आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा पर आपको रेंडर टाइम में डिजास्टर चेंज दिखेंगे आई एम बेटिंग यूम लिख के आपको मैं दे रहा हूँ एंड गाइज अगर आपको भी सीखना है ब्लेंडर फोर पॉइंट टू इन डेप्थ में तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स उसमें सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हमने नए वर्जन में क्रिएट कर दिए हैं तो अभी ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि जाए और उस पर डी जी ट्वेंटी कोड लगाएं अगर नहीं लगता तो नीचे हम मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ पर जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड मुझसे हेल्प ले सकते हैं एंड जाए उस कोर्स को इन्जॉय करें आपको करंट प्राइस पे ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल जाएगा तो इस लेसन के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में तब तक अपना ध्यान रखिए बाय बाय टेक केयर स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल